उत्तराखंड मार्केट सीबीआई 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 हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुर्म हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड युवा एकता मंच का भर्ती घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। राज्य सरकार से भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग बेरोजगार युवा कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि सरकार ने नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं के लिए बनाया था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पहला ही केस उस युवा के ऊपर दर्ज किया है जो पटवारी पेपर लीक होने की आशंका जता रहा था। उत्तराखंड युवा मंच ने साफ किया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो बेरोजगार एक बार फिर सड़कों पर उतरेगा। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? देखिए, अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। प्रदेश के युवाओं के साथ लाठीचार्ज हो चुका है। प्रदेश के युवाओं को जेल में भरा जा चुका है। जो निर्दोष छात्र हैं उनके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं और आदम सिंह को बेल भी हो चुकी है। बड़ा दुख का विषय है। और आज छात्र जो हैं बेचारे वो बेल के लिए तरस रहे हैं, मगर आदम सिंह रोज बेल ले आ रहे हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, क्या प्रदेश में हिटलरशाही तानाशाही फिर से आ गई है? आज प्रेस वाले अगर आपकी खबरें चला रहे हैं कि पेपर में संभावना ऐसी है तो आप उसके ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं। ऐसा होता था अंग्रेजी शासनकाल में जब प्रेस सेंसरशिप एक्ट था। क्या वही प्रेस सेंसरशिप एक्ट का नाम बदल के आपने नकल विरोधी कानून कर दिया है? ऐसा तब हुआ करता था जब 1857 की क्रांति के बाद जो है लगातार जो है एक्ट्स आए थे, उन एक्ट्स को जो है बदलते गई कैसे दमन किया जाए इसके ऊपर जो है विचार किया गया। आज ये चीज़ें नहीं चलेंगी। प्रदेश के युवा सड़कों पर हैं और सड़कों पर इसलिए हैं, बड़ी मजबूरी में सड़कों पर। हम अपने किसी मन से कोई आदमी सड़कों पर नहीं, हम सब तैयारी करने वाले लोग हैं। आप देखिए भाई बॉबी पावर को अंदर कर दिया, हमारे साथी 5-7-10 लोग जो हैं देहरादून और अलग अलग 2-3 लड़कियाँ हैं जो हरियाणा और अलग अलग राज्यों की मेरी परिचित हैं और मेंस दे रही है इस बार, उनको आपने नामजद मुकदमों में नामजद कर दिया और आप कह रहे हैं कि वो मेंस ही नहीं लिखेंगे और पेपर नहीं देंगे। ये मतलब हम किस दौर में आ गए हैं आज। और देखिए वहाँ पुलिस वाले भी डंडे और लाठियाँ चलाते हुए, हम सीधे सीधे प्रदेश सरकार को एक बार चेताते हुए कहना चाहते हैं कि अभी हम आज एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसको फिर अनिश्चितकालीन में बदलेंगे। और जैसा पिछले बार कुमाऊं में महाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, अगर आज जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। और अगर प्रदेश सरकार जो है छात्रों के हित में अगर काम नहीं करती, ये नकल विरोधी कानून में जो विसंगतियाँ दूर नहीं करती, इसके अलावा बाकी चीज़ें सही नहीं करती, प्रदेश के सीबीआई जांच जब तक नहीं होती, सिटिंग जज की निगरानी में एसआईटी जांच बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है, आप सीबीआई जांच करवाइए, जो युवा अंदर है उनको बाहर कीजिए, उसके बाद ही हम लोग जो है आंदोलन खत्म करेंगे। आप लोगों की अब तक क्या किस तरह की स्थिति आप लोगों के सामने है? देखिए स्थितियाँ सबके सामने साफ हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको अभी तक बेल नहीं मिल पा रही है और जो भर्ती घोटालों के आरोपी हैं वो बेल पर रिहा हो रहे हैं। हमारा सरकार से अभी भी यही कहना है कि छात्रों के धैर्य से आप मत खेलिए, छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए, जल्द से जल्द कड़े से कड़े तरीके से आप सीबीआई को लागू कीजिए और जो आगामी परीक्षाएँ हैं वो तब तक ना करवाई जाएँ जब तक सीबीआई की जाँच ना हो जाए। मैं खुद जेई परीक्षा दे चुका हूँ और जेई में अभी तक जो जेई एई की परीक्षा हुई थी 7 से 10 मई के बीच में, उसमें आप देख सकते हैं कि 4 से अधिक आरोपी उसमें नामजद किए जा चुके हैं, पर जांच चल रही है, लेकिन अभी भी सरकार ने वो भर्ती निरस्त नहीं गई है। तो जो छात्र है वो अभी भी दुविधा में है कि वो करें क्या, दोबारा तैयारी करें या क्या करें। तो सरकार से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द इन बच्चों की दुविधाओं को दूर कीजिए और सीबीआई की जांच कराइए, और जो विद्यार्थी जो छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं आप उनको बेल दीजिए, जब और जो भर्ती घोटालों के आरोपी हैं उनको जेल के अंदर डालने का काम कीजिए। आज हम यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं और अभी ये क्रमिक अनशन है, और जब ये क्रमिक अनशन से भी सरकार नहीं मानेगी तो हम जल्दी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे। हम गांधी जी के सत्याग्रह के तौर पर इस आंदोलन को चलाएंगे और इस आंदोलन को जीतेंगे। जैसे आपने इनके आंदोलन को समर्थन दिया है और आप लोग कैसे आगे इनका साथ देंगे? भैया जो देहरादून में हुआ 9 तारीख को ना, वो बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए खासतौर से बड़ा काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो युवाओं के जो शांति प्रकार से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस प्रकार से पुलिस वालों ने बब्बरता से मारा पीटा उनको और पत्थर चलाया उनके ऊपर और झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए, ये उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुआ। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला धब्बे के रूप में जाना जाएगा ये दिन। और पूरे उत्तराखंड का जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, सामाजिक संगठन है, आज हमारे संग कई संगठन पहुँचे हैं, तो वो सभी संगठनों का समर्थन है इन लोगों को, बेरोजगार युवा मंच को, जो युवा एकता मंच है उनको भी। और अगर जल्द से जल्द हमारे जो साथियों को गिरफ्तार किया गया और उनका अगर बेल नहीं होगा तो सड़कों में उतर के हम अगर आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए भी हम बाध्य होंगे और जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और बहुत जल्दी और इनके ऊपर जो पुलिस वाले जो हमारे पुलिस वाले हैं उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पुष्कर सिंह धामी को औपचारिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। मेरा नाम सुब्रत कुमार विश्वास है, मैं किसान संगठन से हूँ।